प्रभु के नृत्य में पकड़े गए। कैसे माँ बाप है जो बच्चों को ख्याल भी नहीं रखते, वो ड्रग्स करते हैं आते ही आते, है ना, ये कुछ ख्याल भी नहीं रखते बच्चों का। कैसे बच्चे आजकल, ये न्यूज तो आम होगी ड्रग्स की। वेरी सेड डैडी। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, मुझे चाहिए फीस के लिए 50,000 रुपया। ट्यूशन? हाँ, फीस के लिए। जितना मर्जी खर्च कर लो, कोई बात नहीं। ओके डैडी। आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। अरे लौता बेटा है, क्या करें इसे सर पे, किस लिए चढ़ाएंगे, ये हमारा इकलौता बेटा है, इसी को नहीं खर्च करने के लिए किसको दूंगा। नहीं नहीं, और दो, हम क्या, कोई बात नहीं, एंजॉय करेगा। अच्छा साहब जी, मैं आ गया। आगे तो जाओ, काम करो। ओके साहब जी, ओके। जी साहब जी, मुझे बेटे के लिए फीस चाहिए थी, उसको लास्ट डेट, उसको लास्ट डेट आज, उसको मतलब उसको फी भरनी है। काम करूंगा साहब जी, एक्स्ट्रा काम करूंगा साहब जी। मेरा बेटे को क्या करना है, किसके पैसे चाहिए? मेरा सपना है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। मजाक कर रहा है क्या? अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सच कह रही है, इनमें सपने देख रहा है तू। तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तू बन गया वैसे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने। और तेरी जैसा होगा पता नहीं कैसे, ले जाके ये देख, आज की हेड न्यूज है, यहाँ पे हेडलाइन है कि जाके लड़की क्या करते हैं, नशे करते, तेरा भी जाके कहीं ना कहीं नशे। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरा सर नीचा हो। अरे यार दिमाग ही खा रहा है, ये ले सुबह सुबह आके मूड खराब करके, जा जाके काम कर, बताओ जा। थैंक यू। ओके पापा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूँ। ओके जा, बाय, शुक्रिया। नसीम भाई, आज हम जा रहे हैं स्कूल, इतना मजा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कल कुछ बनेंगे, दुनिया को भी हम दिखाएंगे। बैठ यार। वसीम भाई इनके साथ नहीं बैठा, मुझे पता है ये आवारा लोग हैं, ये किस नशे में मुतल है, इनके साथ नहीं बैठना। तो यार आप उधर बैठो सर, बैठिए आप। देखो वसीम भाई, आज का अच्छे से अपना टेस्ट देते हैं हम, अच्छे से वक्त चलो, बात बहुत हमारे पास, सारे क्लास हो गया, हम चलते हैं। ओके, अभी इसको लूटेंगे। अरे अरे ओ भाई, इधर आ जा। अरे क्या बोला था वसीम भाई, इनके साथ ही बैठा, इधर आ जा। ओ यार मेरे दोस्त को छोड़ो, अगर आप इस चीज में मुतल हो, मेरे दोस्त को मत पकड़ो यार। यार वसीम भाई, यार वसीम भाई आप तो याद आ गई, एक दिन बैठो इधर, चल क्या यार तारक भाई, सुबह से मैं क्या, आप सुबह से यहाँ पे बैठे हुए क्या यार, चल लगाए गए मेरा इंतजार, लगाए गए क्या? नहीं यार, आप तो नशा करते हो। वसीम भाई मेरे लिए नहीं करेगा क्या, दोस्त के लिए नहीं करेगा, देख थोड़ा जैसा यार, अब तू मेरा जिगरी दोस्त तेरे लिए कर लेता, बस एक बार यार। यार क्या चीज है यार ये, देख मजा, देख मजा क्या आ रहा है, आया मजा यार, बहुत मजा आया। मैं चलता हूँ यार, मुझे काम है यार। ठीक है, कल फिर आना, ठीक है, वापिस आना वापिस। ये क्या, तू देख ना माल है, क्या माल आया, कड़क माल है, कड़क पैसे लाना कल, पैसे पैसे लाना ना इसके लिए, कल और मिलेगा यार, चल भाई बना बना। हाँ ये बेगा, इसे चोरी का लाने दे, इसके बाप के पास बहुत पैसा, सारा पैसा हम लूटे। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम दीदी भाई, क्या हाल है, ठीक हो क्या यार, देना माल, देना यार माल, पैसे लाया है, माल मिलेगा, पैसे दूंगा ना मैं यार, पहले पैसे दे। अच्छा कितने देना, 20,000 दे, दे ये ले यार 20,000, दे माल इसको, माल ले यार, माल ले, बहुत कड़क माल होना चाहिए, आज नहीं मिलता ये, आज ही 1,00,000 ही मिलता, 1,00,000।
बहुत बहुत कड़क मार लगा दिया, मजा आया। और दे दे यार थोड़ी सी घर के लिए यार, थोड़ी सी दे देना यार, पैसे ला फिर। अब कितने पैसे चाहिए यार, इतने गिर दो तो यार आप लोग यार, पैसे ला और मिल जाएगा। चल अब कितने चाहिए यार, 1,00,000 ला जा, चाहे 1,00,000 ले गया। आने दे गाड़ी इसको दिखाता हूँ, आने दे। एक बार कहाँ से भाई क्या कर रहा है यार, लगा ले तू भी, लगाएगा लगा ले, लगा ले यार। उन्होंने 50,000 रुपया मांगा है, क्या कहा माँ, बैग मेरा था इधर, वही बैग, कौन सा बैग हो गया, आज तक जो बैग होता था इधर। मुझे 50,000 रुपया चाहिए अभी, मुझे पूछ लो किसने चाहिए अपने बेटे को। इससे पहले मेरा आपसे मुझे 50,000 रुपया चाहिए, बैग मेरा होगा, आप लोगों ने अंदर रखा होगा। इसके बचने के तो चांस बहुत कम, इसने ज्यादा ड्रग्स ले लिया, उसका ब्लड भी लॉस हो चुका है एक्सीडेंट की वजह से। बीएमओ सर को बताएं, हम बीएमओ सर को आप बता दें, और एक काम करें आप इनके पेरेंट्स को। हेलो हेलो अच्छा देवी जी, आप प्लीज जल्दी उड़ी हॉस्पिटल में आ जाए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ मैम आप जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। हेलो हेलो जी, आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ। हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी उड़ी हॉस्पिटल। सर मेरा बेटा डॉक्टर आ रहे हैं, नहीं हमारी पूरी टीम आ रही होगी डॉक्टर। क्या हुआ इनके बेटे को, कहाँ इनका बेटा, कहाँ? डॉक्टर हदीस कंडीशन कैसी है इनकी, इनकी हालत कैसी है? अच्छा ड्रग्स ले रही है, ब्लड भी जो है वो लॉस हो चुका है, तो उसकी वजह से सर इन क्रिटिकल कंडीशन। टेक केयर डॉक्टर हफीज, इनको लेके मेरे रूम में आए। सर मुझे लगता है इनको जीएमसी बारामूला में रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सर्जरी हो सकती है यहाँ पे। आपके बेटे ने ड्रग्स ज्यादा लिए थे जी हाँ, और बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि शायद उनका बचना बहुत मुश्किल है। देखिए हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज, हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज तो नहीं होती है, मगर एक शख्स है जो इनका इलाज कर सकता है, डॉक्टर उमरदीन, डॉक्टर उमरदीन। ठीक है आप चलो इनको ले लें। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी जी हाँ, मैं उनसे पीएम हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर। हाँ सर नहीं, ये पेशेंट एक था हमारा, उसकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी सर, तो वो थोड़ा देखना था जी जी। आप आ रहे हैं, क्या बात है सर, आप लंदन से कब निकले थे? अच्छा 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 पिछले हफ्ते आप आए,
एनएस ब्रिज पे, हाँ वहाँ जाम लगा रहता है और अल्लाह करे इस साल एनएस ब्रिज बन जाए हमारा, बट आप पहुंच जाएंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर प्लीज, आप डॉक्टर नंबर 3 आ रहे हैं, उनको अंदर ले आएंगे। हेलो, हाँ सर, यदि कोर्ट में भी डॉक्टर पहुंचेंगे ऐसी बात ही नहीं, हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर नंबर 3 साहब, सर कोई आपका सर मैं भी आया, जस्ट उनको देखने उसके बाद बातें करेंगे हम। जरूर जरूर, क्यों नहीं देखेंगे हम। नर्स जरा रिपोर्ट दिखाओ ना। ओ ये तो मेरा फ्रेंड था यार, मैंने इसको कितना समझाया उस चीज में मत पड़ना, सिर्फ उसको नशे की वजह से होगा ना। जी डॉक्टर साहब, आप इनको देखिए, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है सर। ठीक है सर, हम अभी मिलते हैं। देखिए टेस्ट मुझे डॉक्टर साहब के लिए चाय भी मंगवा। हेलो, हाँ नहीं 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 तलांजा वाला डॉक्टर भी आएगा। हाँ वो आ रहे, नहीं रोड की ऐसी कंडीशन है ना आपकी वहाँ पे, हाँ बर्फ होती है। नहीं नहीं वो पहुंचेंगे, पैदल भी पहुंचेंगे और ड्यूटी देंगे अपनी, डेफिनेटली हमारा ऐसा काबिल स्टाफ है। जी हाँ बिल्कुल पहुंच पाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, जी कौन? अच्छा अच्छा, नामला से सरपंच साहब। नहीं 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 बिल्कुल आ रहे हैं आपके डॉक्टर्स भी, वहाँ पे पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं डेफिनेटली बर्फ का कोई मसला नहीं है, वो बर्फ में रास्ता बना कर आएंगे। बिल्कुल हाँ, ड्यूटी उनकी, हाँ बिल्कुल। आप सभी याद रखिए, जो लोग ड्रग्स करते हैं उनको इससे भी बड़ा इंजेक्शन लगता है, ये याद रखिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं 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 सर, आपको पता है ये थोड़ा दूर दराज गांव के लोग थोड़ा तेज बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं सर, थोड़ा मैनेज करें आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, तो कैसी कंडीशन है आप उनकी? सर अच्छा, तो नहीं ऐसे केसेस उड़ी में नहीं आते थे, बट ये कुछ ही टाइम हो गया ये ऐसे केसेस आते हैं, बट रेयर केसेस। ठीक है सर, जी जी डॉक्टर साहब चाय पीते हैं, आप बड़े दूर से आए। हाँ जी, तो इनकी किस ठीक है आप अच्छे से? ओ जनाब ठीक हो गया यार, मेरा दोस्त ठीक हो गया सर। पेरेंट्स कहाँ हैं जल्दी? हमारे कैश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे बच्चे को बचाया। मेरा नहीं, आप शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का, और हमारी लोकेलिटी में ऐसे काबिल डॉक्टर्स हैं जो आज कर सकते हैं, आप शुक्रिया अदा करें डॉक्टर उमरदीन का जो यहाँ पहुँचे आज। नहीं अंकल, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये मेरे दोस्त नहीं है, और हमारा फर्ज बनता है डॉक्टरों का के पेशेंट को बचाना, ऐसा कोई मसला। और जो मैं आज हूँ ना, जो मैं इस पोजीशन पर आज मैं पहुंचा हूँ, ये इसका जो क्रेडिट है वो मेरे पापा को जाता है। अब हाँ नर्स, आप मेरे पापा को बुलाएं। आपको नहीं पता मेरे पापा की मेहनत? पापा यहीं पे कैंटीन, हमारी कैंटीन में काम करते हैं। जैसा बेटा है पापा, पापा ये है इसका बेटा, सुन रही हो जी, ये इसका बेटा है, ये तो हमारे यहाँ पे काम करता था ना, मेरी वजह से ये रामू है ना। पापा मुझे फखर है मेरे बेटे पर कि मेरा बेटा आज। सर आप? जी जी मैं। ये आपके बेटे? जी हाँ मेरा बेटा है। पापा आप इनको जानते हैं? हाँ इन्हीं के घर में मैं काम करता था ना सर। सर मुझे माफ कर दे सर, सर मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया था उसके, सर प्लीज प्लीज सर माफ कर दीजिए आपको, आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई सर। कोई बात नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। सर ये तो आपका बड़प्पन है सर। अंकल एक बात बताओ, लाइफ में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कौन कब कहाँ पहुँचा इसका पता नहीं चलता। बिल्कुल बेटा, ये आपका बड़प्पन है, आपने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, शुक्रिया सर।
जी हाँ, तो ये हमारा स्किट था। वक्त की थोड़े बहुत मिनट शायद हमने ज्यादा ले लिए, बट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो एक नारा हम देंगे, आप सब हमारे साथ आवाज देंगे कि उड़ी में ये जो केसेस आ रहे हैं ये ना आए, और हमारी उड़ी जिस चीज के लिए जानी जाती थी उसके लिए जानी जाए, ना कि सिर्फ ड्रग्स के लिए जानी जाए। और हम ये देंगे सबको, हम बताएंगे उड़ी, आप सबने बोलना उड़ी नशा मुक्त कराएंगे, ठीक है? सबको हम बताएंगे उड़ी नशा मुक्त कराएंगे। सर प्लीज, सबको हम बताएंगे, सबको हम बताएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।